जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी कितना नंबर का आता है बाबू? अरे कितना नंबर? हिंदी कितना नंबर? 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 और सब्जेक्टिव रहेगा ऑब्जेक्टिव 50 और सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव तो हमें पता है सर कि एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव 50 को रहेगा, लेकिन मेन हिंदी में हमें समझना है प्यारे बच्चों कि सब्जेक्टिव में 50 नंबर क्या क्या रहे, सब्जेक्टिव में कई नंबर, लेकिन सब्जेक्टिव में 50 नंबर की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या याद करना पड़े। तो सब्जेक्टिव में पहले हमें याद करना होगा निबंध। क्या याद करना होगा? अब निबंध तो आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे निबंध हैं। दुनिया का जितना भी नया घटना घटता है वो एक निबंध बन जाता है। जैसे पिछले साल कोरोना आया तो कोरोना एक निबंध बन गया। कोई एग्जाम के समय अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो पर्व ही आपका निबंध बन जाता है। फरवरी में एग्जाम है, होली में अगर मार्च में आपका होली है तो कई बार एग्जाम में आप देखते होंगे होली दे देता है। तो निबंध कितने नंबर में निबंध आता है? अरे कितना नंबर? कितना नंबर? उसके बाद आता है व्याख्या। क्या आता है? व्याख्या रहेगा 4 गो, लेकिन बनाना रहेगा व्याख्या रहेगा 4 गो, बनाना रहेगा 1 गो। व्याख्या आता है 4 नंबर में। क्या नंबर में? अगर हम 2 गो व्याख्या बना के आएंगे तो 4 दूनी। अरे 4 दूनी? अब प्रश्न की सर व्याख्या कहाँ से रहता है? तब व्याख्या जो बुक से रहता है। कहाँ से रहता है? जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर में से लाइन उठा देगा और लाइन लिख कर बोलेगा इसका भावार्थ लिखे। क्या लिखे? या कोई कहानी का लाइन उठा देगा, बोलेगा इसकी व्याख्या करें। तो आपको व्याख्या करते समय आपको 2 बात का ध्यान रखना है। पहले आपको पकड़ना होगा कि वो लाइन कौन चैप्टर का है, फिर पकड़ना होगा कि ये लाइन जिस चैप्टर का है उस चैप्टर के लेखक कौन है, और उसके बाद फिर उस लाइन का अर्थ लिखना होगा कि उस लाइन का अर्थ क्या होता। तो बोलिए व्याख्या करने वाला कै क्वेश्चन बनाना है? 1 क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन 4 दूरी। चले उसके बाद आपको पत्र लिखना है 1 हो, कितने नंबर में आप? अरे कितने नंबर? उसके बाद आपको 2 नंबर वा एग्जाम में रहेगा 10 गो, लेकिन 10 गो में बनाना कै गो है? कै गो? 2 नंबर वा रहेगा 10 गो, लेकिन बनाना है अगर 5 गो। 2 नंबर वाला हिंदी में बना रहे तो 5 दूनी। सबसे जरूरी बात इसमें दीर्घ है कि आपका दीर्घ जो है वो 6 गो देगा, और 6 गो में नेसेसरी है कि आपको कै गो बनाना जरूरी है। कै गो जी? अगर 3 गो हम दीर्घ बनाएंगे तो 5 दिया। अरे 5 दिया? 5 दिया। और संक्षेपण जिसको अभी इंग्लिश में हम प्रेसिड बोल रहे थे, वो हिंदी में भी संक्षेपण कितने नंबर का आता है? 4 नंबर। कितने नंबर का? लेकिन एग्जाम में संक्षेपण अथवा में करके कै गो देगा? लेकिन 2 गो में बनाना रहेगा, 2 गो में बनाना रहेगा, याद रहेगा बाबू। यानी जोड़ेगा तो 8 और 8 कितना? 16। 16 और 5 21। 21 और 10 31। 31 और 4 35। 35 और 15 बोले पूरा 50 नंबर सब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है। चलिए तो एक बार लहरिया कट में बोलिए, निबंध कितना नंबर, व्याख्या कितना नंबर, पत्र कै नंबर, दुर्गम रिवा 5 गो बनाएंगे 5 दूरी, दीर्घ 3 गो बनाएंगे 5 दिया, संक्षेपण 1 गो बनाएंगे 4। टोटल हो जाएगा हमारा 50। कै नंबर प्यारे? चलिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ढेर सारा शेयर करें।